नमस्कार दोस्तों, जितिन टेक्नोलॉजिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 अपकमिंग स्मार्टफोन्स जो कि अक्टूबर में लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों, काफी सारे स्मार्टफोन्स हैं जो कि अक्टूबर में लॉन्च होंगे। यहाँ पे अगर हम पहले स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो आपका लॉन्च होने वाला है नोकिया का 7.1 प्लस। दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफी अच्छे हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको 6.1 इंच का एक फुल HD नॉच डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर इसमें जो वेरिएंट है, आपको काफी सारे वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको वेरिएंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 3300 mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, ये फोन जो है जल्द लॉन्च हो सकता है इंडिया में भी, तो देखते हैं कि ये जितनी जल्दी लॉन्च होता है अक्टूबर में। दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा स्मार्टफोन है वो वीवो का V9 Pro है। इसकी जो कीमत है वो 20,000 के आसपास हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो इसके फीचर्स हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है कि 6.3 इंच का एक आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, इसके अलावा आपको 6GB रैम के साथ वेरिएंट देखने को मिल सकता है। तो ये भी दोस्तों अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा स्मार्टफोन है वो नूबिया का रेड मैजिक गेमिंग स्मार्टफोन है। अगर इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले है वो आपको 6.0 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल सकता है जो कि 18:9 रेशियो का होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको 8GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज और आपको 6GB रैम के साथ भी वेरिएंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपको बैटरी 3800 mAh की मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो 30,000 के अंदर हो सकता है। तो ये भी दोस्तों अक्टूबर में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों, जो अगला स्मार्टफोन है वो गूगल की तरफ से आ जाता है, गूगल का पिक्सल 3 और पिक्सल 3 XL। दोस्तों, इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रहे हैं पहले के मुकाबले। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो पिक्सल 3 है इसमें आपको 5.50 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल सकता है जो कि फुल HD डिस्प्ले होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पे एंड्रॉयड का लेटेस्ट P9.0 जो है इसके साथ ये फोन आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो बैटरी है वो आपको 3915 mAh की मिल सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो पिक्सल 3 XL है इसमें आपको 6.7 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 845 देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ पे काफी कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो बैटरी है वो आपको 3430 mAh की मिल जाती है। तो देखना होगा कि ये जो अक्टूबर में लॉन्च होता है तो काफी इसका जो प्राइस है वो कितना होता है और कितना अच्छा हो पाता है ये स्मार्टफोन। दोस्तों, यहाँ पे जो पांचवा स्मार्टफोन है वो इन्फिनिक्स की तरफ से है। वैसे आजकल इंडिया में इन्फिनिक्स काफी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स का 06 स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है अक्टूबर में। अगर इसके हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो आपको 6.2 इंच का एक नॉच डिस्प्ले के साथ ये आ सकता है। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ वेरिएंट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो आपको कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो बैटरी है वो आपको 3570 mAh के आसपास मिल सकती है। तो दोस्तों, ये भी स्मार्टफोन अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है।
दोस्तों अगला स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से लॉन्च हो सकता है जिसका बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो आपका जो स्मार्टफोन है वो Mi Max 3 है। दोस्तों अगर इसके हम फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे काफी सारा जो है बढ़िया फीचर्स मिल सकता है। यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर या फिर आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इन दोनों प्रोसेसर में कंफर्म नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज का वेरियंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पे बैटरी है वो आपको काफी बड़ी मिल जाती है, यहाँ पे आपको 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसके अलावा जो ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा 12+5 मेगापिक्सल का, और जो इसका फ्रंट कैमरा होगा वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। इसका दोस्तों जो प्राइस है वो 20,000 के अंदर या 20,000 के आसपास हो सकता है। यहाँ पे जो अगला स्मार्टफोन है वो OnePlus की तरफ से आ जाता है जो लॉन्च हो सकता है OnePlus का 6T। दोस्तों इसके काफी सारे जो है लीक्स नजर आए थे, अब यहाँ पे दोस्तों 17 अक्टूबर को इंडिया में ये लॉन्च हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको 6.4 इंच का एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो आपको वही प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर जो आपको OnePlus 6 में मिला था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोस्तों देखने को मिलेगा। दोस्तों काफी अच्छा होने वाला है, और इसकी जो प्राइस है वो कितनी होती है वो 17 अक्टूबर को ही पता चलेगा। अभी दोस्तों जो लास्ट स्मार्टफोन है जिसका बेसब्री से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं वो है लेनेवो का Z5। दोस्तों बीच में ऐसा लगा था कि ये फोन इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये इंडिया में जल्द अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 8 अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि अक्टूबर में लॉन्च हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।